हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पर प्री मार्केट की वीडियोज लाता हूं जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी में अगले दिन क्या ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्या लेवल्स रहेगा, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल, क्या साइकोलॉजी है, वो सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। और वो सब डिस्कस करने के लिए मैं डेटा और चार्ट इन दोनों का इस्तेमाल करता हूं। मैं सिर्फ चार्ट नहीं यूज करता, मैं डेटा भी यूज करता हूं। आपको पता होगा, आप अगर मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो, और अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और इसी के साथ साथ प्री मार्केट के वीडियोस एक दिन पहले के होते हैं और अगर इसमें कोई अपडेट होती है लाइव मार्केट में, क्योंकि लाइव मार्केट में प्राइस सेक्शन अलग होता है, तो वहां पे अगर कोई अपडेट रहती है तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में आपको अपडेट देता हूं। जैसे कि मैंने यहां पे आपको अपडेट दी थी कि लगभग यहाँ पे 16 या 17 मार्च को ही मैंने अपडेट करी थी कि मार्केट अब जो है बॉटम बना चुका है, और इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था, आप इसको देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने लगभग 27 मार्च है तो 16 मार्च को अगर हम देखें, 20 मार्च 6 ये वाला देखिए बॉटम मिड, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था और ये बता दिया था कि भाई अब मार्केट आपका जो है बॉटम बना चुका है, अब आपको ऊपर प्ले करना है। सो आप देख सकते हैं कि 20 मार्च का वीडियो है और मार्केट ने जो है ऑलमोस्ट ये 17 और ये 20, तो 20 मार्च का वीडियो, देन उसके बाद से फिर से मार्केट ने दोबारा बॉटम नहीं बनाया और कंटिन्यू मार्केट ऊपर ही रह गया है। ओके, तो ये बेनिफिट्स आपको मिलते रहते हैं आप अगर वॉच करोगे तो। इसके साथ साथ मैं वीकली एनालिसिस में आपको ये बताता हूँ कि भाई मार्केट हमारा कैसा रह सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको अपडेट किया था कि मार्केट अब आपका बुलिश रहेगा और आप जो है कि अब सीधे सीधे बाई ट्रेड करना शुरू कर दो, ये सब आपको अपडेट मिलती है और आप अगर फॉलो करो तो पता होगा। और एक फैसिलिटी मैंने ये दे रखी है कि स्टॉक मार्केट में आपका अगर कोई भी डाउट हो, स्ट्रेटजी रिलेटेड कोई भी डाउट, नए हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं सपोर्ट करता हूँ। तो ये नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो टीम है आपको जवाब देगी। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलते रहते हैं। अब हम चलिए शुरू करते हैं अगले दिन यानी कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, कल एक्सपायरी है और उसके बाद हॉलीडे रहेगा, भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है। सो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे हॉलीडे रहेगा, मतलब 3 दिन का वीकेंड है। हम सिर्फ कल के लिए मार्केट हमारा ट्रेड होगा, देन उसके बाद मंडे को ओपन होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कल एक्सपायरी के दिन क्या कर सकते हैं। तो निफ्टी के कैश के लेवल में बताऊंगा, बैंक निफ्टी के कैश के लेवल बताऊंगा, और एक बात याद रखो, ये लेवल्स नोट करके रखो और प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी को भी याद रखो ताकि आप कल सही ट्रेड ले सको। और बाकी अपडेट तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूँ। अब मैं सबसे पहले मेरे फॉर्मेट के हिसाब से डेटा को डिस्कस कर लेते हैं। तो डेटा अगर मैं आपको बताऊँ, सो डेटा अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन चेन, अब जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूँ, जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही होगा, जो लोग नए हैं उनके लिए ऑप्शन चेन में देखने क्या क्या होता है। ये ऑप्स्टा का ऑप्शन चेन है 13 अप्रैल यानी कि एक्सपायरी जो हमारी होगी कल की। हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो मार्केट है वो कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, प्लस कहाँ से कितनी रेंज हमें मिलेगी। तो इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए कॉल ऑप्शन, तो ये अगर ग्रीन कलर का डंडा बड़ा है तो दैट मीन्स वहां पे कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, और अगर रेड कलर का डंडा बड़ा है तो इसका मतलब वहां पे पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। तो अगर हम देखें तो 17,700 में पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, और उसके बाद अगर हम देखें तो 17,800 में पुट का ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा डंडा है 18,000 का, और अगर उसके नजदीक देखें तो 17,900 का। तो अगर मोटा मोटी रेंज लो मैं छोटा वाला तो 17,800 से लेकर के 17,900, और अगर बड़ी रेंज में लूं तो 17,700 से लेकर के 18,000 तक की रेंज हमें मिल रही है, यानी कि 300 पॉइंट की हमें रेंज मिल रही है। अब क्या मार्केट 18,000 को तोड़ देगा, नहीं तोड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है तो इसके टूटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। क्या मार्केट 17,700 तोड़ देगा, तो नहीं टूटेगा, इसकी भी टूटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, बिकॉज यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो 17,700 हमारा सपोर्ट होगा और 18,000 हमारा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन अगर उसके बीच में अगर हम छोटा सा नजदीक वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना चाहें तो 17,800 पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा और वहीं पे सपोर्ट भी मिलेगा, ये भी याद रखिए। लेकिन रेजिस्टेंस का जो पॉइंट है वो ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट वहां पे है लेकिन रेजिस्टेंस वहां पे स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि कॉल वाला डंडा ज्यादा बड़ा है पुट वाले डंडे से। तो अगर कॉल वाला डंडा ज्यादा है तो हम उसको यहाँ पे ये समझेंगे कि वहां पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, ये पॉइंट आप समझ लो। अब इसमें हम चेंज क्या देखेंगे, तो हम इससे अंडरस्टैंडिंग ये करते हैं कि हमारा मार्केट 17,700 नीचे की तरफ और 18,000 ऊपर की तरफ रहेगा। अगर हमें यहाँ पे कोई इसके पास आने पे रिवर्सल मिले तो हम बाई कर सकते हैं, और अगर इसके पास आने पे कोई रिवर्सल मिले तो हम सेल कर सकते हैं, ये हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए। इसमें एडवांस प्लानिंग क्या होती है, एडवांस प्लानिंग ये होती है कि कल हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है और उसके बाद कहाँ पे मार्केट जा रहा है। मार्केट अगर ओपन हुआ 18,800 के ऊपर और ऊपर जाने लगा
उस टाइम पे हम ये देखेंगे कि 17,800 का जो पुट का ओआई है वो बढ़ रहा है कि नहीं, और अगर वो बढ़ रहा है इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि 17,800 का कॉल का ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है कि नहीं, और अगर वो गिर रहा है तो हम ये कंफर्म मानेंगे कि हमारा मार्केट और ऊपर जा सकता है। इसी का उल्टा, अगर कल मार्केट 17,800 के नीचे ओपन हुआ और उसके बाद थोड़ा नीचे जाने लगा तो हम ये देखेंगे कि 17,800 का पुट का ओआई कम हो रहा है कि नहीं और कॉल का ओआई बढ़ रहा है कि नहीं। अगर कॉल का ओआई बढ़ेगा और पुट का ओआई कम होगा तो हम ये मानेंगे कि मार्केट हमारा नीचे जा सकता है। तो ये एक साइकोलॉजी होती है, और एक बात याद रखो, ये सब मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दे रहा हूँ, जो चीज कोई डिस्कस नहीं करता। सब लोग सिर्फ चार्ट देखेंगे, लेवल बता देंगे, इधर उधर का बात करके आपको समझा देंगे, लेकिन मैं डेटा भी देता हूँ इसी के साथ साथ, डेटा के साथ आपको नॉलेज भी दे देता हूँ कि आप खुद से जज कर सकते हो कि मार्केट आपका कहाँ जाएगा। तो ये जो पॉइंट होता है ये बहुत स्पेशल पॉइंट है। सो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जब आप इसको लाइक करोगे शेयर करोगे तभी यूट्यूब को ये पता चलेगा कि हाँ कोई बंदा है जो अच्छे वीडियोस बना रहा है, तो वो और लोगों के पास पहुंचाएगा, तो ये और ज्यादा लोगों को बेनिफिशियल होगा। ओके चलिए, सो ये हमारे ऑप्शन चेन क्लासेस है। 17,700 का सपोर्ट है, 18,000 का रेजिस्टेंस है, 17,800 के ओआई चेंज को हमें देखना है, कॉल और पुट को, हम जब कल मार्केट चालू होगा उसके बाद। कब देखना है? 9:30-35 पे देखना है, उसके पहले नहीं देखना है। ओके चलो, अब हम चलते हैं चार्ट के साथ साथ, डेटा के साथ साथ चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा ट्रेड कैसा बनेगा। तो मैं आपको एक प्राइस सेक्शन दिखाना चाहूंगा, ये आपको पता होगा राइजिंग वेज करके एक पैटर्न है। राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है? उसमें ऐसा होता है कि इस टाइप का पैटर्न बना होता है, मैं आपको पैटर्न बना के दिखा देता हूं, तो इजी एकदम हो जाएगा। ये रहा एकदम हाई, यहाँ पे मैंने दो हाई बना दिए और यहाँ पे मैंने लो लेकर के यहाँ पे लो बना दिया, तो इसको बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न जो होता है, जो लोग नए हैं उसका काम है, ये एक बेयरिश पैटर्न है। राइजिंग वेज क्या है? एक बेयरिश पैटर्न है। बेयरिश पैटर्न मतलब ये हमें सेलिंग के सिग्नल देता है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है और रेंज जो है वो कंसोलिडेट होकर के और ज्यादा नैरो होती जा रही है ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही थक रहे हैं, दोनों ही थक रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? दोनों ही थक रहे हैं, तो दोनों ही थक रहे हैं तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन लास्ट में ऐसा कोई बंदा, चाहे बुल हो चाहे बेयर हो, अगर वो स्ट्रांग फाइट मार देगा तो अगले वाली पार्टी हार जाएगी। तो इसमें डेफिनेटली यही होता है कि जो बेयर होते हैं वो थोड़ा सा फाइट कर देते हैं, मतलब एक लास्ट में एक मौका मार देते हैं, एक बॉक्स मार देते हैं, बॉक्सिंग करके उसको बोलते हैं, मार देते हैं, तो वो फिर आपका सेलिंग का प्रेशर आ जाता है। जो बुल है वो डर जाते हैं और वो कमजोर हो जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है? पहली बात तो हमें ये देखना होता है कि जो इसका लोअर रेंज है, लोअर रेंज के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। लोअर रेंज यानी लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो कैसे? तो ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे मैं कैश का लेवल आपको बता रहा हूं, तो याद रखो। अब एक साइकोलॉजी बन निकल सकती है, मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको चार्ट का भी नॉलेज हो जाए और प्राइस सेक्शन का भी नॉलेज हो जाए। तो पॉइंट ये था, राइजिंग वेज जो हमारा है वो एक तरीके से बेरिश पैटर्न है। तो इसमें जब भी उसी टाइम फ्रेम का 15 मिनट का देख रहा ना, तो 15 मिनट की एक कैंडल अगर इसके नीचे ओपन होगी तो यहाँ पे सेलिंग सिग्नल कंफर्म हो जाएगा, और जो हाई होगा लेटेस्ट वाला वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट होगा अगला स्विंग लो। तो अगला स्विंग लो अगर मैं देखूं तो ये यहाँ पे बन रहा है 17,700 का, और नीचे अगर देखेंगे तो ये हमारा बन रहा है 660 का। तो क्या इतना नीचे आ सकता है? यस, कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता है। तो अगर कल सेलिंग सिग्नल मिले तो आपका ये मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करके नीचे आ सकता है। तो ये एक अजम्पशन है प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से। प्राइस एक्शन फेल भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, मेरा काम था आपको समझाना। और इसके हिसाब से अगर एंट्री मिले तो ट्रेड करो। अब बोले कि सर जी बताने से क्या फायदा है, क्या यह काम करता है? यस, ये डेफिनेटली काम करता है। देखो अगर मैं बताऊं आपको, तो इसके पहले भी इसने काम किया हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा रैली नहीं आई, छोटी सी रैली आई थी, बिकॉज अभी भी मार्केट बुल में है जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भी एक आपका पैटर्न बना था, वो है ऐसा सेम पैटर्न। ओके ये देखिए, यहाँ पे हाई को मैंने यहाँ पे मिला दिया, और यहाँ पे जब इसमें सेलिंग सिग्नल ट्रिगर हुआ तो यहां से मार्केट जो है आपका लगभग 30-40 पॉइंट तो गिरा ही है। कितना गिरा है? 650 से अगर मैं काउंट करूं, 650 645 से लेकर के, हाँ वही, मतलब 40 पॉइंट, ज्यादा नहीं, 40 पॉइंट भी बहुत है। सो 40 पॉइंट मार्केट गिरा। तो ये काम करता है, ये पैटर्न काम करता है। बहुत लंबी अगर मार्केट
मतलब नेगेटिव है, डेटा नेगेटिव है तो और ज्यादा नीचे जा सकता है, बट अगर डेटा बुलिश है तो उसमें थोड़ी सी हमें थोड़ा लो छोटा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना चाहिए। तो वही सेटअप यहाँ पे बन रहा है, हो सकता है कि आपको ट्रेड मिल जाए, ये मेरा काम था बताना, और अगर मिल जाए तो आप अपने बेस अपने रिस्क पे ट्रेड करना, सिर्फ मेरे कहने पर ट्रेड मत करना। ओके, अब चलिए मैं अपना लेवल दे देता हूँ, चूंकि आपको मेरा लेवल्स के बारे में पता होगा कि लेवल्स काफी अच्छे होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, तो मैं अपना लेवल देता हूँ। तो इसके लिए मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूंगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं यूज करूं तो मैं ये देखूंगा कहां पे बुल्स लास्ट फाइट किए हुए थे। तो यहां पे बुल्स ने लास्ट बार ट्राई किया था और उसके बाद ऊपर लेके चले गए, फिर से बेयर्स ने ट्राई किया लेकिन फिर से बुल्स ऊपर लेके चले गए। तो ये जो उनका है, ये उनका बॉर्डर एरिया है, अगर इसके नीचे मार्केट गया तो बुल्स हार जाएंगे और बेयर्स जीत जाएंगे, वो मार्केट को नीचे लेके आएंगे, जो कि आपका 17,700 तक का दिखेगा। इसमें एक दो दिन का टाइम भी लग सकता है और ऐसा हो सकता है कि कल भी आ जाए जब ये कंफर्म होगा तब। लेकिन हम सेलिंग कहां से करेंगे, तो हम सेलिंग जो करेंगे वो सेलिंग करेंगे 17,770 के नीचे अगर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी और उसके बाद जब पुल बैक होगा तो हम शॉर्ट सेल करेंगे, तो हमारा टारगेट 700 का सीधे सीधे 70 पॉइंट का हो जाएगा नीचे की तरफ। ओके, ये हमारा पहला सेटअप बन रहा है, क्यों? क्योंकि बुल्स इसी के नीचे हार मानेंगे और बेयर्स इसी के नीचे स्ट्रांग होंगे, क्योंकि इसी जगह पे लास्ट फाइट हुई थी। ये होता है प्राइस एक्शन का सिस्टम। अब फिर से बुल्स कहां पे स्ट्रांग होंगे, तो देखो मार्केट आपका अगर इसके ऊपर ओपन हुआ, ये जो रेंज है इसके ऊपर ओपन हुआ, ये पूरी रेंज आप इसको मान लो 770 के ही रेंज मान लो, अगर इसके ऊपर ओपन हुआ और एक हायर हाई का पैटर्न कुछ बना, या फिर यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न बना, या फिर लेट से यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बना, कप एंड हैंडल बना, जो भी बना, कोई भी बुलिश पैटर्न बना, तो हम एक बार वहां पे बुलिश ट्रेड करेंगे, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो इसके ऊपर मार्केट जब तक है, निफ्टी जब तक हमारा है तब तक बुलिश है, इसके नीचे जब तक जाएगा तो मार्केट हमारा बेरिश होगा, और तब तक आई थिंक वो 15 मिनट में जो हमारा राइजिंग वेज हमने देखा था उसका भी यहीं पे कहीं पे सेल सिग्नल ट्रिगर होगा, तो वो भी काम करेगा। तो ये एक सेटअप बन रहा है। ओके, सो पॉइंट है कि इसके नीचे हमें सेल करना। अब ऊपर हम कहां पे सेल कर सकते हैं, तो ऊपर देखो ऐसा हो सकता है कि कल आपका मार्केट नॉर्मल ओपन होकर के ऊपर जाए और ऊपर एक डबल टॉप का पैटर्न बनाए, तो जब डबल टॉप का पैटर्न बनाएगा तो हम वहां पे भी शॉर्ट सेल कर सकते हैं। डबल टॉप का पैटर्न बनेगा तो हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं इजिली। तो ऊपर हम डबल टॉप के पैटर्न पे शॉर्ट सेल करेंगे और नीचे इसके नीचे सेल करेंगे, इसके बीच में बाइंग का सिग्नल देख करके हम बाई का ही प्लान करेंगे, ये बात याद रखो निफ्टी के लिए कल का। ओके, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में डेटा उसका खास डिस्कस नहीं होता, कोटक बैंक की वजह से ऊपर जा रही है, आज एचडीएफसी ने भी इसको सपोर्ट किया हुआ था, एचडीएफसी बैंक। अब हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में हम बाई करेंगे। बैंक निफ्टी में हम बाई कैसे करेंगे, हम बाई करेंगे इस लेवल पे जो कि है आपका 41530 से लेकर के 495, इस पे अगर मार्केट फ्लैट खुला, यहाँ पे कहीं पे बाइंग का रिवर्सल मिला तो हम बाई करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे एक यही इसी जगह पे लास्ट फाइट हुई थी किसके, बुल्स और बेयर्स की। ओके, तो यहाँ पे अगर मार्केट आएगा इस एरिया में जो कि 530 से लेकर के 495 तक, यानी इस 35 पॉइंट की रेंज में हम बाई करने का यहाँ पे प्लान करेंगे, लेकिन बाइंग का रिवर्सल मिलेगा उसके बाद। पहला टारगेट हमारा 600 का, एक अगला टारगेट 650, उसके बाद 700 का टारगेट मिलेगा, ये बात याद रखो। तो ये तो हो गया हमारा बाइंग का प्लान। सेलिंग कहाँ पे करेंगे, तो सेलिंग हम करेंगे इसके नीचे जो कि है 41470। देखो यहाँ पे भी 70 का लेवल निकल के आ रहा है, निफ्टी में भी 70 का लेवल निकल के आ था, यहाँ पे भी 70 का लेवल निकल के आ रहा है। 41470 41,470 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाएगी तो एक बार पुल बैक आने देंगे, तब उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे, तो हमारा वहां पे शॉर्ट सेलिंग पर ट्रेड बनेगा। तो पहला टारगेट हो जाएगा 41280, यानी 200 पॉइंट का सीधे सीधे आपको नीचे की तरफ टारगेट मिलेगा। तो ये हमारा सेलिंग का पॉइंट है नीचे की तरफ। ऊपर हम यहाँ पे एक बार बाई करेंगे और फर्दर हम बाई कहाँ करेंगे, तो देखो फर्दर बाई हम यहाँ पे करेंगे, अगर और ऊपर ये गया ना तो अगेन इसमें फिर से बाइंग का सिग्नल आ जाएगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। तो हमें बाइंग करना एक्चुअली में, मैं आपको थोड़ा 4 घंटे के लेवल पे लेके चलूं जो कि मेरा फेवरेट लेवल है, मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूं। 790 ऊपर की तरफ लेवल निकल के आ रहा है। ओके, ऊपर की तरफ लेवल निकल के आ रहा है,
यस करेक्ट है। तो आपका ये जो अगला लेवल होगा ना हमारा बाइंग का 790, तो आई थिंक अगर कल गैप अप ओपन हो जाए, लेट से 5 मिनट का चार्ट में आपको बता रहा हूँ, आई थिंक थोड़ा सा ऊपर है यहाँ से, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का गैप अप अगर होगा तो आई थिंक दूर लग रहा है मुझे। तो एक बार मैं यहाँ पे प्लान क्या करता हूँ, इस जगह पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे, बाइंग का छोड़ देते हैं, बाइंग का इसके ऊपर करूंगा तो करना है नहीं करना मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बट इस पॉइंट के लिए आप रिमेंबर करके चलो कि अगर 41790 के पास आएगी तो इस जगह पे आने पे अगर कोई सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा जैसे कि डबल बॉटम या फिर शूटिंग स्टार, तो सॉरी डबल बॉटम बोलकर डबल टॉप या फिर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, तो इनमें से कोई भी एक सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। इसके ऊपर हमें बाई करना है बट आई थिंक 200 पॉइंट का ऊपर आएगा तो मैं प्राइस एक्शन देख करके बताऊंगा। बट अभी के लिए आप 790 का 41790 यहाँ पे आप जो है कि 790 तो 800 मान लो 800 पे 41,800 पे सेलिंग का प्लान करोगे, यहाँ पे आने दोगे आराम से सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तब आप सेल करोगे। तो ऊपर आपको सेल करना है, नीचे आपको यहाँ पे बाई द डिप करना है, इसके नीचे आपको सेल करना है, ये आपको सेटअप मैंने बता दिया। ओके, और इन सब के अलावा अगर मुझे कोई अलग से अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आपको शेयर करूंगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। इसकी लिंक कहाँ है, इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम कर रही हो तो सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, विदाउट स्पेस स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। और ये सब चीजें आपको अगर मुझसे सीखनी है तो आप मेरी अगली बैच, इस वाली बैच तो ये 10 अप्रैल को चालू हो चुकी है, उसकी 2 क्लासेस हो चुकी है तो इसमें आप एंट्री नहीं मिलेगी। आप अगर चाहते हो मुझसे सीखना तो अगली बैच जो कि 20 मई को चालू हो रही है आप उसको जो है कि ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे मैं डिटेल दे रहा हूँ, आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ओके, यहाँ पे आपको ये सब सीखने को मिलेगा और यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट आपको ये सीखने को मिलेगा, इसके बेनिफिट्स, आप इसको वीडियो को पॉज करिए फिर रीड कर लीजिए। उसके बाद पॉइंट्स की कब आपको ज्वाइन करना है, और अगर ये सब अच्छे से ना समझ में आए तो मैंने एक वीडियो बना रखा है तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये वाला वीडियो ये 10 अप्रैल के लिए है तो इसमें खाली डेट चेंज होगी जो कि 10 की जगह पे 20 मई होगी, बाकी सब चीजें सेम है, सभी बेनिफिट सेम है। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको अगर सही लगे तो आप क्लासेस ज्वाइन करिए, 20 मई से चालू होंगी, काफी कुछ आपको लर्निंग मिलेगी। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।